डॉन से नेता बनी माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें ईडी की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में ईडी ने मुख्तार और उनके बेटे अब्बास अंसारी की 73.43 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने इसकी जानकारी सोशल साइट एक्स पर दी है और कहा अब्बास की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों में गाजीपुर जिले के सदर तहसील के मौजा रजदेपुर देहाती में अराजी नंबर 604 पर स्थित 1538 वर्ग फुट की जमीन और उस पर बनी एक व्यावसायिक इमारत, मऊ जिले के सदर तहसील में मौजा जहांगीरबाद परगना के अराजी संख्या 169 पर 6020 वर्ग फुट का भूखंड शामिल है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अब्बास ने ये संपत्तियां 6.23 करोड़ रुपए की सरकारी दर के मुकाबले 71.94 लाख रुपए के कम मूल्य पर हासिल की थी। इसके अलावा ईडी ने 14 अक्टूबर के पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मुख्तार के बैंक खाते में जमा 1.5 लाख रुपए जब्त भी किए हैं। मुख्तार और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी जमीन हड़प ली और उस पर गोदाम बना लिया था। अब तक मुख्तार, उनके बेटे अब्बास, मुख्तार के बहनोई आतिफ रजा को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो इस समय न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने इन तीनों लोगों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।